और शिवपाल जी सचमुच में जब आपको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लग जाता है। आप जैसा अनुभवी व्यक्ति सचमुच हर बार चले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, में हूं आपके साथ चेतन पाठक। शिवपाल यादव एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े ही बेबस और लाचार रहने वाले के रूप में अब जाने जाने लगा है। शिवपाल यादव वो जिसने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव की बात हर बार मानी, लेकिन उनके अपने भतीजे अखिलेश यादव ने इस कदर उन्हें मजबूर कर दिया था कि उन्हें समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी बनानी पड़ी। यही नहीं, मुलायम सिंह यानी नेताजी के जाने के बाद जब अखिलेश यादव अकेले पड़े तो चाचा ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और वो उनके साथ आ गए, यानी कि समाजवादी पार्टी में आ गए और बड़ा कदम उठाते हुए अपनी पार्टी का विलय सपा में ही कर लिया। यही नहीं, हमेशा साथ रहने की बात भी कह डाली, लेकिन इस सबके बावजूद भी चाचा शिवपाल सिंह यादव को वो सम्मान कभी नहीं मिल पाया। लेकिन अब लगता है कि शायद चाचा बीजेपी में आ ही जाएंगे, कैसे जानते हैं। नेता सदन को मेरी चिंता हो जाती है, ऐसा प्रतीत होता है मानो सदन में कोई कार्यक्रम चल रहा है, चाचा पर चर्चा। ये लगता है चाचा पर चर्चा आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, चाचा पीजिए के हैं और रहेंगे, पार्टी समाजवादी हैं और रहेंगे, अखिलेश के चाचा थे हैं और रहेंगे। अब विधानसभा हो या जनसभा, चाचा के साथ जो हुआ उसके मजे सीएम योगी ने भी खूब लिए, और जब जब योगी ने चाचा के साथ जो हुआ उसकी बात की, शिवपाल की आंखों में दर्द भी नजर आया। शिवपाल जी, आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है, आपके साथ अन्याय हुआ है हम जानते हैं, और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं। नहीं तो दोनों की तो मित्रता है ही। यही नहीं, योगी ने कभी अखिलेश के बगल में सीट न मिलने पर तो कभी चाचा की तुलना पेंडुलम और फुटबॉल से कर डाली। कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। योगी यहां भी नहीं रुके, उन्होंने विधानसभा में यह तक कह दिया था कि चाचा को देखकर उन्हें महाभारत की याद आती है, उनके साथ छल हुआ है। और शिवपाल जी सचमुच में जब आपको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लग जाता है। आप जैसा अनुभवी व्यक्ति सचमुच हर बार छले जाते हैं, बार बार अपमानित होते हैं, क्यों इतना उनका अपमान कर रहे हैं, मुझे इसीलिए लगता है। देखिए मैं सही बता रहा हूं। अब शिवपाल यादव भर चुके थे, एक दिन विधानसभा में उनकी बेबसी का बांध ऐसा टूटा और उन्होंने योगी से ही कह दिया, गच्चा तो आपने भी दिया था। मैं कहना चाहते हैं, 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। लेकिन सीएम योगी आज भी शिवपाल यादव को निशाने पर लेना नहीं भूलते। अब योगी ने कह दिया कि पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, आज व्यापारी किसान और बेटी सब सुरक्षित हैं, रोजगार मिल रहा है। पहले यूपी में चाचा भतीजे नौकरी के नाम पर वसूली करने निकल जाते थे, पहले यूपी का सम्मान नहीं था, आज उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को लोग सम्मान से बैठाते हैं और पलक बिछाकर खड़े होकर आपका सम्मान लोग करते हैं। अब योगी के इन सभी बयानों से क्या ये समझ नहीं आता कि वो अब भरे हुए शिवपाल चाचा को बीजेपी में मिलाकर ही रहेंगे? ये हम नहीं कह रहे, ये लग रहा है। कैसे? योगी के बयानों से
और बार बार चाचा पर ताबड़तोड़ कटाक्ष से ये सब लग रहा है। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आपकी क्या राय है लिखिए। धन्यवाद।